नमस्कार, मैं रोज। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियन एक दूसरे को गुड फ्राइडे की ग्रीटिंग शेयर कर रहे हैं। कुछ फिर से एक बार इस बात पर बहस कर रहे होंगे कि कैलेंडर के हिसाब से आज ही था वो दिन या नहीं। कुछ आज फिर से पैशन ऑफ क्राइस्ट का मूवी देखने का प्लान कर रहे होंगे और कुछ शायद इस मौके पर रिलीजियस एक्ट्स में बिजी होंगे। मगर क्या आपने सोचा है कि गुड फ्राइडे मानव जाति के निसहाय अवस्था दिखाता है कि अपने धर्मों, अपने कर्मों या शिद्दत से चाहकर भी हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा बुलाने का हक हमें नहीं मिलता अगर जीसस ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान नहीं किया होता। हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का लाइसेंस देता है ये क्रॉस। हमारे पापों का लेखा जोखा गड़ा है उन कीलों पर। आज गुड फ्राइडे के दिन फिर एक इनविटेशन है पूरी दुनिया को यीशु मसीह को अपनाने का, फिर अपनी जिंदगी को साफ करने का। हमें बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मसीहा ने। इस गुड न्यूज को हम तक पहुंचाने के लिए बहुतों ने अपनी जान गंवाई। बाइबल गवाह ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगियों को इस कदर तुच्छ समझा कि भूखे सिंहों का भोजन बनने के लिए तैयार हो गया, सिर कटवाने के लिए तैयार हो गया, कितनी कितनी यातनाएं सही, लाशों की ढेर बिछी, तब जाकर हम जैसे लोगों तक ये महान सुसमाचार पहुंच पाया। मगर ये सुसमाचार क्या हमारे दिल के अंदर तक पहुंच पाया, या सिर्फ हमारे हाथों तक, या सिर्फ हमारे चर्चों तक, या हमारे धर्मों तक? काश कि ये सुसमाचार हमारे रगों में खून की तरह दौड़ने लगे कि हम पाप के बंधन से, उसके दासत्व से आजाद हो गए हैं। अब हमें पाप नहीं, क्राइस्ट बसता है। अपनी जिंदगी को मसीह के हिसाब से जिए, अब पाप के पीछे नहीं, मसीह के पीछे चले। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक भला व्यक्ति यूं चलते चलते घर के पास से गुजर रहा था। अंदर एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुका, देखा गेट के अंदर एक बड़े से चेन से एक कुत्ता बंधा हुआ है और उसका मालिक उसे मार रहा है। उस भले मानस को उस कुत्ते पर दया आ गई। वो बोला, क्यों मार रहे हो इस निसहाय प्राणी को इतना? वैसे भी कितना दुबला पतला दुर्बल सा है। मालिक ने कहा, तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू ले ले, बदले में बहुत बड़ी रकम दे दे। भला मानुस तैयार हो गया कीमत देने के लिए। तभी मालिक ने एक कंडीशन रखा, मैं इसके चेन को खोल दूंगा मगर आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए मैं फाटक खोल कर रखूंगा। अगर ये खुद तेरे पास आता है तो ये तेरा, फाटक बंद होते तक टाइम है, नहीं तो पैसा और कुत्ता दोनों मेरा। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और परिपूर्णता से पाए। चॉइस हमारा है, डोर अभी भी खुला हुआ है। क्रॉस साइन है हमारे रिडेम्पशन का। चलिए दौड़कर अपने पिता के पास चलते हैं, आज ही, अभी।